दोस्तों, जब से कोरोना बीमारी हमारे देश में आई हुई है, हमारी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। आज कोरोना बीमारी को 1 साल के ऊपर हो गए हमारे देश में आए हुए। वैसे तो ये बीमारी पूरे विश्व में है, मगर हम विश्व की बात न करके सिर्फ अपने देश भारत की बात करेंगे। दोस्तों, जब से कोरोना बीमारी हमारे देश में फैली हुई है, हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीमारी की वजह से हर घर, हर परिवार, यहाँ तक कि हमारी सरकार भी सहमी हुई है। जहाँ हम, आप और हमारे जैसी आम जनता अपनी और अपने परिवार के सेफ्टी के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही है, वहीं हमारी सरकार अपनी जनता के, अपने देश के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही है। हमारी सरकार अपनी जनता को सेफ रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हमारी सरकार को विवश होकर फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मगर घबराए नहीं, इस बार लॉकडाउन उतना सख्त नहीं है जितना पिछली बार था। मगर लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती और जुर्माना पहले से ज़्यादा कर दिया गया है। जहां पिछले लॉकडाउन में मास्क न लगाने पर 200 रुपये का फाइन लगाया गया था, वहीं इस बार 500 रुपये कर दिए गए हैं। रोड पर या खुली जगहों पर थूकते हुए पकड़े जाने पर 500 की जगह अब 1,000 रुपया फाइन भरना पड़ेगा। इसलिए सैनिटाइजर का यूज़ करते रहें, सेफ डिस्टेंस बना के रखें, मास्क ईमानदारी और जिम्मेदारी से लगाएं, बेवजह घर से बाहर न निकलें। जैसे कि पिछली बार के लॉकडाउन में कंपनियां बंद कर दी गई थीं, दुकानें बंद कर दी गई थीं, इस बार अभी तक ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन की वजह से हमें, हमारे परिवार और हमारी सरकार को काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। इसी बात का ध्यान रखते हुए सरकार ने नाइट लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। ये लॉकडाउन रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक रहेगा। कंपनियां और दुकानें चालू रहेंगी, जिससे लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ न हो। पिछले लॉकडाउन की तरह इस बार जान माल का नुकसान न हो। मगर दोस्तों, ये तभी संभव हो सकेगा जब आप और हम सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे और उनके नियमों का मान रखेंगे। अगर हमने, आपने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया और कोविड इंक्रीज हुआ, कोरोना बीमारी बढ़ी, तो सरकार को पिछली बार की तरह सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। ना तो कंपनियां चालू होंगी और न ही दुकानें, जिसका खामियाजा हम सबके परिवार वालों को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इस नाजुक पल को समझें, सख्ती और समझदारी से काम करें और सख्ती से कदम उठाएं। याद रखिए, जहां कायदा है वहीं फायदा है। हम लॉकडाउन के नियमों का पालन करके खुद को और अपने परिवार को सेफ रख सकते हैं और सरकार की मदद करके कोरोना जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या हमारी और आपकी सरकार आपसे उम्मीद कर सकती है कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे, लॉकडाउन रूल्स फॉलो करेंगे? अगर हाँ, तो धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।